स्टार्ट करें। हाँ जी साहिल सर, द वीडियो इज ऑल अबाउट जो करंट सिनेरियो है अभी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री का और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। शुरू कर चुका। हाँ मारो, मुझे मारो। उसके बाद ये बोल दिया ना, टेक वन टेक टू एक्शन। हाँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। स्टेबल हो रहा हूँ अभी। हो यार, साइकिलिंग करनी है, बड़ा मन है यार। काफी लोग आजकल कर रहे हैं ना, और डेली डालते हैं, आज इतने किलोमीटर करी, इतने किलोमीटर करी। आज मैं गया, इतने ज्यादा साइक्लिस्ट हो गए सड़कों पे भाई साहब। कट गया फिर? नहीं नहीं नहीं, सही आ रहा है, सही आ रहा है ना। चलो शुरू करते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं बाकी तो। हे एवरीवन, सो माय नेम इज साहिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय हार्ट, बाय एवरीथिंग, आई एम अ ट्रैवलर। आई स्टार्टेड माय जर्नी अप्रोक्सीमेटली 4 hours, फोर। अरे यार ये सही में मुझे ना लाइव ऐसा लग रहा है, मैं अभी सही में रिकॉर्डिंग करवा रहा है। तू शुरू करवा दे। यू आर आंसरिंग द, यू आर एड्रेसिंग द नेशन राइट नाउ। हाँ, तो तू ना नॉर्मली, तू नॉर्मली शुरू करवा दे पूरा एग्जैक्टली। okay. अपने जैसा तूने प्लान करा हुआ है ना, वो बेटर है। ठीक है, नहीं मैंने ऐसे ही प्लान किया हुआ है कि लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। चलो मैं आपको हेड स्टार्ट करता हूं। दो, हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज फाइंडिंग मोहित, एंड टुडे वी आर डूइंग दिस वीडियो इन व्हिच आई हैव साहिल सर विद मी। सो आई हैव वर्कड फॉर साहिल सर फॉर अ व्हाइल, and today I bought him, like bought we him. Would be working again for a while. Yeah, we would be working again for a while. And so aaj main aaj Sahil sir hamare saath, why for a while, you can work as much as long you can. unless you fire me. And find a no, don't use the word work for me. Nobody is working, I think, for someone, but it's like I use the term I am associated with them. Cool. Let's हाँ, वो ज़्यादा better है, sounds cool. So I am associated and it's lovely to हाँ associate with you. Definitely and same here, bro. Same here. Yep. So आज साहिल सर यहाँ पे आए हैं to talk about traveling and how he, because he has a company जिसमें a lot of things, like he arranged trips, they have their own plans and it's awesome. So yahan se I would like to shift to like to, I would like to give the mic to Sahil sir because he can explain better what it's about. So hey guys, my name is Sahil. I started my journey, full-time journey into travel and tourism approximately 4 years back. So basically I'm not from a tourism sector. Okay, मैं ग्रेजुएशन मेरी जो है, ओके मैं बोलूंगा कि साइंस बैकग्राउंड से हूँ विद अ मेडिकल बैकग्राउंड अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो। एंड देन आई केम इन टू इंजीनियरिंग आफ्टर ग्रेजुएटिंग। आई वर्कड फॉर एन ईयर इन अ फर्म, लाइक माई प्रोफाइल वॉज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, बट my last company was dealing with holiday homes, vacation rentals, and so we used to work around all the vacation rentals, holiday properties all across India. And so it's a very good startup. It was there in Gurgaon. I had a blast over there, and that's how I came into tourism industry as a profession. Though traveling is in my genes, I think all credit goes to my family members. ठीक है, सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन होती थी शुरू से लेकर अभी तक भी होती है, वो होती है ऋषिकेश और हरिद्वार की। तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स फॉर द सेम, एंड नॉट बट नॉट द लीस्ट, शुरू से घर वालों ने आदत डलवा दी थी ये लोकल बसेस में ट्रैवल करने की, राइट? सो लोकल बसेस में हम ISBT से बसेस हम रात को लेते थे, लोकल बसेस लेते थे, एंड हम ऋषिकेश जाते थे या हरिद्वार जाते थे। एंड उससे आई थिंक बहुत ही अच्छा रहा कि अब जो स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग है, एंड इवन तुम भी इससे एग्री करोगे कि जब तुम ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हो या एडवेंचर में जाते हो, यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, राइट? इट्स ऑल अबाउट लग्जरीज नहीं मिलती, कंफर्ट जोन। Exactly, for each and everything. If you are a leisure traveler as well, तुम्हें अपने बेड से, अपने घर से, इस कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर इंटरस्टेट में या किसी और
कम्युनिटी में स्टेट में कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा. सो ऑल थैंक्स टू दैट. एंड सो बट आफ्टर माय ग्रेजुएशन सिंस आई वाज ऑल इंडिपेंडेंट नाउ दो आई यूज्ड टू प्लान माय ट्रिप्स एवरी मंथ. आई यूज्ड टू प्लान माय ट्रिप्स काफी बार होता था मोहित कि मुझे ट्रिप्स पे जाने के लिए मुझे ऑफ नहीं मिल पाते थे. ठीक है, हमेशा नहीं मिल पाते, ये सभी की प्रॉब्लम है ना गाइस. तो मैं क्या करता था कि सैटरडे संडे यूटिलाइज करता था और कुछ ऐसा ही प्लान करता था कि ओके ये डेस्टिनेशन सैटरडे संडे में पॉसिबल है तो आई विल डू दैट. ठीक, तो ऐसी डेस्टिनेशंस करता था. काफी बार मुझे ऑफ रिक्वायर्ड होता था. आई यूज्ड टू प्लान माय हॉलीडेज या फिर मैं गेटअवेज प्लान करता था लॉन्ग वीकेंड्स के आसपास. ओके, एंड देन काफी बार जब नहीं मिलती थी तो मैं काफी बार लीव ले लेता था और सैलरी मेरी एक दिन की कट जाती थी. ओके, बट 5,000 की और 6,000 ट्रिप इज वर्थ इट एज कम्पेयर टू एक दिन की सैलरी जो 800 रुपए 1,000 रुपए या 500 रुपए होती थी. उससे बेटर है कि मैं एक वर्थ इट ट्रिप करके आऊं. एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई स्टार्टेड. बट ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशन व्हेन आई केम इनटू ट्रैवल एंड टूरिज्म I was working with a firm where we used to deal with hospitality products. Yeah, my love and interest towards this industry got started. And then I decided ki, okay, my profile will be changing whenever I will go. And kahin pe bhi jaunga main, profile ho sakta hai, change ho jaye, kuch bhi ho sakti hai, but my industry will remain the same. Okay. So that's my love and you can say passionate about traveling there. Okay, so how did the company start it? Basically yaar I start so it was a very later process when I came into traveling. I left my job in 2017. Okay. Right, maine abhi job chhodi. Main ek din pehle trip se hi aaya tha. Main college friends ke sath gaya tha Kana Talen Uttarakhand. बहुत ही ऑफबीट प्लेस है. मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा था, कैंपिंग करने जा रहा था. स्विस कैंप्स में पहली बार स्टे कर रहा था मैंने भी. या बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था. स्विस कैंप्स क्या होता है? एंड द वेरी नेक्स्ट डे स्विस कैंप्स बेसिकली आपके लाइक प्रॉपर टेंट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें बेडिंग होती है आपकी. और भी अगर कोई अंदर लेजर प्रोवाइड करवाना है, जैसे काफी बार टीवी भी होता है, अलमीरा भी होती है. सो इट वॉज अ वेरी डिसेंट कैंप, स्विस कैंप, जिसमें अटैच वॉशरूम वी वर हैविंग. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ लग्जरी, नॉट लाइक नॉर्मल टेंटिंग विच वी डू ऑन ट्रेक्स, जहाँ पे हमारे डोम टेंट्स होते हैं ना, जैसे डी कैप पे हमें मिलते हैं केचुआ के. सो वी वेंट फॉर कनातल ट्रिप एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई केम टू माय ऑफिस, बिकॉज इट वाज माय प्लान, ऐसा नहीं था कि सडनली आई डिड. हाँ, बट फॉर माय मैनेजर, सो आई वाज इन डिजिटल मार्केटिंग टीम ऑफ द कंपनी. सो फॉर माय मैनेजर इट वाज अ शॉक कि क्या हुआ, क्यों जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, मैंने मिस करा है क्या? नहीं, करते तो वो बहुत कुछ थी. तो कहती कि if you have an issue yaar, you should have informed me. You have directly tumne mail shoot kar diya directly na, cc me rakhkar ceo ko, hr ko, mujhe rakhkar kar diya. And so it came as a shock to her as well, because in the starting morning mein jab tum aate ho, apna laptop kholte ho, you sit on your work desk, apne table pe aakar sabse pehle jay shri krishna ka naam leke you are seeing a resignation mail. So she was like okay. Because even nobody was expecting, because our team knew that. मेरी टीम में आसपास लोगों को पता था. Everybody was leaving that time. Even I wanted to switch, basically for some internal issues. I wanted to switch to a different product or a different company. Otherwise, I was in a travel firm. It was very cool. The culture, environment, everything was cool. So I left my job, and before during that time, basically when I was leaving my job, I started with my travel blog. So I have a travel blog by the name ghumakkar.in. Okay. And I think we have Instagram naam hai, right? Insta ka naam wo to nahi hai, wo to Sahil ke naam se hi hai. Haan, okay. But us pe bhi likha hai, wahan pe bhi. Haan. Okay. Haan, wahan pe bhi likha hua hai. And so that's how yaar started. I got associated with various travel firms, theek hai, which used to deal with community tours, which used to deal with adventure tourism. So unke sath main associate hua, collaborate kara, both as a content creator. I used to provide freelance content with them. I worked with various tourism boards as well, like Madhya Pradesh Tourism, JK Tourism, Jammu and Kashmir Tourism. And then we have leading communities like Tripoto, we know that. ठीक है, उनके साथ भी मैंने एक साल काम करा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. एंड अर्लियर आई वॉज अ रिमोट राइटर,
So मैं travel करते करते भी content provide करवाता था and then later on I joined their core team. Okay. So sometimes I used to visit their office and we used to work around on the content. So I used to mainly deal with the written content, जो blogs होते हैं, articles होते हैं, and creative writing more of a. And so yeah, that's how I was started. Even I have been associated with various hostel brands. I have conducted various events with them. So with all these things, my plan was there. Beech mein bhi maine shuru kara tha. With a friend of mine, we started organizing the tours, but that was not properly. Jab bhi Mohit kuch bhi karte ho, to you need a dedication from both the ends. Exactly. So since I was into the industry, I came into this industry, I was dedicated, but the second person was not. So it wo zyada time nahi chala, and zyada uspe workout nahi ho paya. Hardly 2-3 trips happened in that group, in that community. So Go for Explore, basically it's a very, I think it started in 2018 or 2017, sorry, it started in the month of May. And 2017, so earlier, I passed out school, high school. Acha. So yeah. In 17 it started, basically it was an idea of Johnny. It was earlier a platform to push content and provide the just promote the experiences. And in 18 basically it formed as a proper community where I also came on board, and then we started organizing the trips, providing some amazing experiences, meeting such cool people like you, and so journey goes on like that. Okay. Kara, nice. I'm a cool person. Yes.